जब समय कम हो और खाना हो कुछ हेल्दी और कुरकुरा टेस्टी नाश्ता और बड़े ही आसान तरीके से फटाफट बन के रेडी हो जाए, तो एक बार इस चावल के नाश्ते को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट बना के रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 2 चम्मच सरसों के तेल डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब जीरा चटक जाए तब 1 कप पानी डाल देंगे। पानी में थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा तो हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद से 1 कप चावल का आटा डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़ी देर में पानी अच्छी तरीके से चावल के आटे में मिल जाएगा और चावल का आटा बिल्कुल भरभरा होने लगेगा। अब इसे लगातार चलाते हुए हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल के आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और बिल्कुल भरभरा सा हो चुका है। अब हम लोग इसे ढक करके साइड में रख देंगे। अब ये ठंडा होगा तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। फिर से एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई दाना, 5 से 6 कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग डालेंगे नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों को। थोड़ी देर के बाद से अच्छी तरीके से मसाले भून जाएंगे। तब बारीक घिसा हुआ बॉयल आलू डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से स्टफिंग बना ली है, आलू की मिक्स हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पे मैं एक कटोरी में चावल के आटे को निकाल लूँगी। अब ये जब थोड़ा सा गर्म रहे तभी हम लोग इसे मसलते हुए अच्छी तरीके से आटे की तरह गूंथ लेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी टाइट हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा तो मसलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो गर्म रहे तभी हम लोग इसे मसलते हुए एकदम आटे की तरह गूंथ के रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से आटे की तरह गूंथ लिया है। बस ज़्यादा प्रोसेस नहीं बचा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें से लोई निकालेंगे। अब हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद से स्लेट पे रख करके अच्छी तरीके से बेल लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल रोटी की तरह इसे गोल बेल लिया है। बेलने के बाद से हम लोग एक छोटी सी ग्लास लेंगे और इसमें कट लगाते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से मैंने बेल के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और साइज और पतलापन आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ढेर सारा बेल के रेडी कर लेंगे। उसके बाद से जो स्टफिंग हमने बना के रेडी की थी उसकी छोटी छोटी गोली की तरह बॉल बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस साइज का से चावल के आटे की पूड़ियों के ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। अब फिर से एक पूड़ी लेंगे और इस तरीके से इसको बंद करके कवर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब किनारे किनारे से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे चिपका देंगे। क्योंकि गोली को दोनों पूड़ियों के बीच में डाल करके दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके का अब ढेर सारा बना के रेडी कर लेंगे। अब मैं एक पैन में अच्छी तरीके से तेल गिरा लूँगी क्योंकि अब हमें फ्राई करना है। तेल गर्म हो जाए तब हम लोग इसमें बनाए हुए रेसिपी को डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब भी आपके पास कम समय हो और फटाफट कुछ बनाना हो तो चावल के आटे का ये नाश्ता एक बार बना के जरूर खाइएगा। घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैं इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। चलिए फटाफट इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आज से पहले आपने चावल से बनी हुई बहुत सारी रेसिपी खाई हुई, एक बार इस तरीके से चावल के आटे का ये नाश्ता बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। है तो इसे और क्रिस्पी करा रही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा सैलो फ्राई किया है और अंदर से बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।